अरे वाह स्माइली, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद हैप्पी चाचा। स्माइली, कैसा था फंक्शन? क्या तुम वहाँ की कुछ तस्वीरें देखना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, ये है मेरे मामा जी जिनकी शादी में मैं गई थी, और ये है मेरी नई मामी जी। मामा जी? मामा जी कौन होते हैं? मामा मतलब मेरे मम्मी के भाई। इस फोटो में ये कौन है तुम्हारे साथ स्माइली? ये तो मेरे नाना जी नानी जी हैं। नाना जी नानी जी मतलब? टिंकू, नाना जी नानी जी यानी नाना जी नानी जी और क्या। नहीं चुटकी, नाना जी नानी जी यानी आपके मम्मी के मम्मी और पापा। मम्मी के भी मम्मी पापा? ये देखो, मान लो ये है स्माइली के नाना जी और नानी जी, ये स्माइली के मामा जी और स्माइली की मम्मी, और ये है स्माइली। अरे वाह स्माइली, तुम्हारे परिवार में तो काफी सारे लोग हैं। ये जो फैमिली ट्री है वो स्माइली के मम्मी की तरफ की फैमिली ट्री है। चलो अब स्माइली के पापा की तरफ की फैमिली के बारे में समझते हैं। अब जानेंगे स्माइली के पापा के परिवार के रिश्ते। तो ये देखो बच्चों, ये है स्माइली के पापा और ये स्माइली की बुआ जी। स्माइली की बुआ यानी स्माइली के पापा की बहन है ना पापा? बिल्कुल सही चुटकी। तो बच्चों ये बताओ, स्माइली के पापा के मम्मी पापा स्माइली के क्या लगे? मैं समझ गई हैप्पी चाचा, मेरे दादा दादी है ना। बिल्कुल सही स्माइली, अब समझा मैं हैप्पी चाचा। पर पापा, क्या हर परिवार इतना ही बड़ा होता है? हमारे परिवार में तो आप और मैं ही रहते हैं। नहीं चुटकी, हर परिवार अलग अलग तरह का होता है। जैसे हमारे परिवार में सिर्फ आप और मैं है, तो इसे हम सिंगल पेरेंट फैमिली यानी एकल अभिभावक परिवार कहते हैं। तो फिर हैप्पी चाचा, जिस परिवार में काफी सारे लोग एक साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार कहते हैं। अब समझी, जॉइंट फैमिली वही ना जिसमें मम्मी पापा और उनका बच्चा सभी साथ में रहते हैं, जैसे मेरी बुआ का परिवार। नहीं चुटकी, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार कहते हैं। तो फिर जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है हैप्पी चाचा? संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें दो से अधिक पीढ़ियां साथ में रहती है। दो से अधिक पीढ़ियां, वो क्या होता है पापा? चलो इसे स्माइली के फैमिली ट्री से समझते हैं। ये देखो, इस फैमिली ट्री में स्माइली के मम्मी पापा और दादाजी दादी जी है ना? हाँ। तो बस स्माइली हुई पहली पीढ़ी, मम्मी पापा दूसरी पीढ़ी, और दादाजी दादी जी तीसरी पीढ़ी। ओह अच्छा, अब समझा हैप्पी चाचा। जैसे हमारे दोस्त राजू का परिवार, उसके परिवार में वो उसके मम्मी पापा और दादा दादी सभी साथ में रहते हैं। बिल्कुल सही टिंकू। अरे वाह दोस्तों, कितने सारे लोग और जुड़े उनसे रिश्ते। बिल्कुल, जानकर आया मजा बड़ा हमारे ये कुछ खास रिश्ते। दोस्तों उम्मीद है आप भी हमारी ही तरह अपने अलग अलग रिश्तों के बारे में समझ ही गए होंगे। आपके परिवार में कौन कौन है और उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, इसका एक फैमिली ट्री बनाएं और उसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को दिखाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।